बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे फॉर अनग्रुप्ड डाटा सैंपल सेट के लिए। फर्स्ट हम स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है? अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू हम इजीली इसी इन्फॉर्मेशन से फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें एक्स वैल्यूज गिवन है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। लेकिन हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट एक्स स्क्वायर कॉलम वैल्यूज़ को जनरेट करना है, देन हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और एंड डियर फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज़ को डिनोट कर, जैसे कि डियर फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज़ हमें 6 गिवन है तो एंड की जगह हम 6 मैंशन कर देंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, यानी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि डियर फ्रेंड्स हमें एक्स कॉलम वैल्यूज़ गिवन है, वो हम एज इट इज़ फर्स्ट यहाँ पे मैंशन कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो डियर फ्रेंड्स हम ईच वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर ले लेंगे और एक्स स्क्वायर कॉलम की ईच वैल्यू को जनरेट कर लेंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि फर्स्ट एक्स वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 16, वो हम एक्स स्क्वायर कॉलम में मैंशन कर देंगे फर्स्ट रो में, ठीक है। सेकेंड रो में एक्स वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 36, वो हम सेकेंड रो में मैंशन कर देंगे एक्स स्क्वायर कॉलम में, ठीक है। इस तरह हम एक्स स्क्वायर का कॉलम भी इजीली जनरेट कर लेंगे। जैसा कि डियर फ्रेंड्स हमें फार्मूले में सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड है, डियर फ्रेंड्स इन ऑल वैल्यूज को हम आपस में ऐड कर देंगे और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 328, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, जैसे कि सिग्मा एक्स की वैल्यू भी हमें रिक्वायर्ड है तो इन ऑल एक्स वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू हम क्या फाइंड करते हैं, 42, ठीक। डियर फ्रेंड्स, अब इन बोथ वैल्यूज को हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में पुट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को डियर फ्रेंड्स एस से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट, डियर फ्रेंड्स सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया, 328, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, डिवाइडेड बाय एन डियर फ्रेंड्स 6 है हमारा क्योंकि नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज हमें 6 गिवन है, ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, माइनस सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, 42, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, डिवाइडेड बाय एन हमारा 6 है और होल स्क्वायर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट, डियर फ्रेंड्स 328 को हम डिवाइड करेंगे 6 पे तो क्या कैलकुलेट करते हैं, 54.67, ठीक है। माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स 42 का हम डिवाइड करेंगे 6 पर तो हम क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 7, और 7 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो हम क्या वैल्यू फाइंड करते हैं, 49, ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5.67, यानी इस वाली वैल्यू में से हम इसे माइनस करेंगे तो हम ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2.381, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर ली स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा सैंपल सेट के लिए, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अब वेरियंस की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। वेरियंस की वैल्यू वेरी सिंपल है, डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन का ही हम स्केयर ले लें तो हम वेरियंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर है उसका हम स्केयर लेते हैं तो वो हमारा वेरियंस आंसर के इक्वल होता है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स टेक स्केयर ऑन बोथ साइड, यानी बोथ साइड का हम स्केयर ले लेंगे तो हम वेरियंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एस का हम स्केयर लेंगे तो क्या हमारे पास वैल्यू आती है, एस स्केयर। वेरियंस की वैल्यू को हम एस स्केयर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू। और डियर फ्रेंड्स राइट साइड का हम स्केयर लेंगे, क्या वैल्यू फाइंड करते हैं, 5.67, ठीक है। यानी वेरिएंस की वैल्यू हम इस डाटा सैंपल सेट के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, 5.67, ठीक। डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर अनग्रुप्ड डाटा सैंपल सेट के लिए, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, डियर फ्रेंड्स आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचता रहे। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।